यूपी में दोबारा सत्ता में आई योगी सरकार ग्रामीणों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। योगी सरकार के इस फैसले से यूपी के 4 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को राहत मिलेगी। योगी सरकार की इस योजना के तहत सरकार ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत उनके आवास का मालिकाना हक प्रदान करने वाला दस्तावेज खरौनी प्रमाण पत्र मुहैया करवाएगी। यूपी में 4 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की तैयारी है। जल्द ही इसी माह एक भव्य समारोह आयोजित कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। बीते साल 23 दिसंबर तक प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 27,47,000 ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा चुका है। अब इसी क्रम में इस माह 4,000 गांवों के 4 लाख से अधिक ग्रामीणों को खरौनी प्रमाण पत्र मुहैया कराए जाने की तैयारी राजस्व बोर्ड कर रहा है। ग्रामीणों को खरौनी दस्तावेज मुहैया कराने के मामले में यूपी देश में सबसे आगे है। गौरतलब है कि प्रदेश के ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति के दस्तावेज डिजिटल रूप में मिले। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सूबे के करीब 1 लाख गांवों की 7.65 करोड़ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण कराने की स्वामित्व योजना तैयार की है। बीते साल 12 अक्टूबर को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत खेतों की खतौनी के तर्ज पर राजस्व बोर्ड ग्रामीणों की आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक का दस्तावेज तैयार करा रहा है। डिजिटल मानचित्र के जरिए राज्य के करीब 1 लाख गांवों में ग्रामीण आवासीय अधिकार अभिलेख घरौनी प्रमाण पत्र तैयार किया जाना है। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना घरौनी प्रमाण पत्र को ग्रामीण की हितकारी योजना मानते हैं। बीते साल अप्रैल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना में ग्रामीणों को उनके घर के आवासीय अभिलेख को ऑनलाइन वितरण करते हुए कहा था कि घरौनी मात्र भूमि का मालिकाना हक दिलाने वाला सरकारी कागज भर नहीं है, यह लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने, आत्मसम्मान का बोध कम कराने और आत्मनिर्भरता की राह दिखाने का माध्यम है। ये विवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और जरूरत पड़ने पर इनके जरिए सहजता पूर्वक लोन भी लिया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।